हेलो गाइस, अगर आपके भी घर में ऐसे छोटे छोटे चूजे हैं मुर्गी के, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनके लिए घर छोटा सा रेडी करें। ये काफ़ी हाई टेम्परेचर पर रहते हैं, इनको थोड़ा गर्मी पसंद रहती है, तभी ये सही से छोटे में जी पाते हैं। तो आपको एक कार्टून लेना है, उसमें एक आपको कार्टून में एक न्यूज़पेपर को बिछा देना है कुछ इस तरह से। मैंने एक बड़े साइज़ का कार्टून लिया है, ऊपर से जिसकी हाइट ज़्यादा है। ये पुराना कार्टून पड़ा था मेरे पास, तो अब इसमें मैं डोरी वगैरह जो प्लग वगैरह है वो बल्ब लगाने के लिए कर रहा हूँ। तो डोरी वगैरह और ये सब मैंने पहले से रेडी कर लिया था। तो अब इसमें होल्डर लगा रहा हूँ, तो ये होल्डर हो गया है अपना रेडी। तो इसमें मैं अच्छे से इसको कस लूँगा। तो करने के बाद अब मैं इसके थोड़े नट वगैरह जो है अच्छे से टाइट कर दूँगा, ताकि बाद में दिक्कत ना आए या घर के अंदर बल्ब जल्दी से गिरे ना एकदम से। अच्छे से टाइट कर लिया अपन ने। अब मैं ना इसके अंदर चारा बोलते हैं, चारा इसको अच्छे से प्यार बोलते हैं, प्यार चारा। तो ये अच्छे से मैं इसको क्रश कर रहा हूँ, अच्छे से बारीक, मतलब ज़्यादा बारीक भी नहीं करना अपन को, और न्यूज़ पेपर में रखना है अच्छे से उसके अंदर। ये मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि गाइस अपन को है ना जो मुर्गी वगैरह है इनको क्या थोड़ा रिलैक्स फील होगा, और बैठ के वो अच्छे से आर्टिफिशियली, इनको एक प्लेन जगह नहीं चाहिए अपन को। उससे क्या है अपन उनको क्या एक ऐसा लगेगा जैसे वो धरती पे ही हैं, जंगल में है, मतलब एक फील होगा उनको। तो ये करने का, और सर्दी में भी उनको गर्मी लगेगी इससे। अब मैं एक अच्छी सी कुछ बॉक्स देख रहा हूँ उनके लिए, ताकि जिसमें खाना और एक साथ पानी की व्यवस्था। तो ये मेरा पुराना फ़ोन था, उसका बॉक्स मैंने निकाल दिया है। ये सब मैं एक नॉर्मली घर की जुगाड़ से ही कर रहा हूँ, सब छोटी मोटी चीज़ों को ऐड करके। आप भी कर सकते हो, तो आप इसकी जगह पे अच्छे से और कुछ भी ले सकते हो खाने के लिए रखने के लिए। मैंने अभी होल्डर इसको लगा रहा हूँ, थोड़ा सा ऊंचाई पे अपन रखेंगे, एकदम से नीचे भी नहीं और ज़्यादा बीच में भी नहीं, क्योंकि बॉक्स छोटा और अभी वो छोटे छोटे हैं। तो मैंने अच्छे से कर लिया है। अब मैं बल्ब निकाल रहा हूँ, आपको कुछ इस टाइप से बल्ब लेना है, वाइट बल्ब नहीं लेना आपको CFL वगैरह, क्योंकि वो हीट नहीं देता है। तो ये वाला बल्ब सस्ता भी आएगा आपका और अच्छे से चल भी जाएगा। तो मैं इसको अच्छे से उसमें ऐड कर दे रहा हूँ, ये हो गया है ऐड। करने के बाद मैं इसमें टेप कर दे रहा हूँ, ताकि वो सीएम ना हो और ज़्यादा फिसले ना दे बॉक्स के ऊपर से। थोड़ा सा ऊपर करके मैं अच्छे से ये टेप यहाँ पे कर दे रहा हूँ। आप चाहो तो होल करके बीच में एक रॉड डाल के या छोटी सी डंडी डाल के उस पर भी लटका सकते हैं। ये मैंने अच्छे से लगा दिया। मैंने बॉक्स लिया था तो एक छोटी सी डिब्बी ली थी मैंने, इसमें पानी बूंद के लिए, तो ये डिब्बी फैलाना और यहाँ वहाँ ना, इसमें गम से इसको बॉक्स के अंदर ही चिपका लूँगा। उनके लिए इतना सा पानी सफिशियंट रहेगा, मतलब हो जाएगा उनके लिए थोड़ा बहुत पानी, बाकी आप कर सकते हो। जी मैंने अच्छे से उसको जोड़ दिया है। अब जो मेरे पास चावल रखे थे बारीक, तो ये चावल बारीक खाते हैं, आप मक्का भी खिला सकते हैं उनको बारीक बारीक, मक्के के दाने भी बारीक बारीक, और बाकी मार्केट में भी फूड मिलता है, तो मैं घर के ही उससे कर रहा हूँ। ये मैंने बारीक चावल अच्छे से रख लिए हैं। अब इसमें पानी भर लेते हैं आराम से अपन। ये मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है, इसमें पानी ऐड करके अब अपन बॉक्स में साइड में मैंने हल्की सी जगह छोड़ी थी, तो ऐसे हल्की सी जगह आप करके आप ऐसे साइड में रख सकते हो। आपको जारे के ऊपर ही नहीं रखना है ये बॉक्स, वरना क्या वो जल्दी गिर जाएगा या हिल डुल जाएगा। अब क्या है चारा भी उसको दबाएगा। अब मैं प्लग लगा देता हूँ, प्लग लगा के चेक कर लिया कि हाँ अच्छे से वर्क कर रहा है बॉक्स, तो ये वर्क कर रहा है। तो अब अपन अपने चूज़ों को निकालते हैं। तो ये अभी कुछ हमने स्ट्रैप से रखे थे, ये देखो भागने लगते हैं। ये जब स्टार्टिंग में लिए थे तो बिल्कुल शांत रहते थे, अब वो थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं ना, तो वो शरारत करने लगते हैं, उनके पंख भी आने लगते हैं, तो अब ये बड़े होने लगते हैं। तो अच्छे से मैं उनको एक एक करके रख दूँगा। या आप स्टेप से आराम से रख सकते हो। ये मैंने उनको आराम से रख दिया है।
कि देखो अब ये खेलने लगेंगे और अच्छे से रिलैक्स फील होके खाएंगे और इसी में सोएंगे। अपन ये चारा वगैरह और भी सब 2-3 दिन के अंदर क्लीनिंग कर सकते हो आप। अभी ये लाइट के चक्कर में थोड़े पास जा रहे हैं कुछ अलग देख के, लेकिन ये थोड़ी देर बाद मतलब नॉर्मल हो जाएंगे यहाँ वहाँ और घूमने लगेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।